पूनम शर्मा तत्काल टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे हम मांगलिक कुंडली की, जो हमारे माइंड में कन्फ्यूजन होते हैं कि मांगलिक कुंडली है, तो आज हम इसके सारे डिटेल्स जानेंगे। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य श्री संदीप चौरी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है वापस से आपका तत्काल टाइम्स न्यूज स्टूडियो में। तो सर हमारे दर्शकों को बताइए कि मांगलिक कुंडली क्या होती है, जो सबके दर्शकों के मन में जो कन्फ्यूजन होता है मांगलिक ग्रह को लेकर के, इस बारे में आप उन्हें आज थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली जन्म पत्रिका, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल स्थित रहता है तो वो पत्रिका मांगलिक होती है, वो कुंडली मांगलिक कहलाती है। जी, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कुंडली पर या हमारे लाइफ पर? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा पूनम जी कि लोग बोलते हैं मंगल दोष, जबकि मांगलिक होना या मांगलिक कुंडली होना कोई दोष नहीं होता, यह उस कुंडली की एक विशेषता है, एक उस कुंडली का गुण है। उस गुण के कारण उसके व्यक्तित्व में कुछ विशेष प्रभाव आते हैं। क्यों विवाह नहीं हो पाते हैं मंगल की उपस्थिति के कारण? जी, तो उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती है। तो उसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि वो जातक जो है बड़ा कटु शब्द बोलने वाला, कठिन कार्य करने वाला, कठिन कार्यों को सर्वप्रथम अपने हाथ में लेने वाला, नई नई योजनाएं बनाने वाला, लोगों से इतनी आसानी से संबंध स्थापित न करने वाला, और साथ में अगर किसी से संबंध स्थापित करता है तो उसको वो लंबे समय तक निभाने वाला जी। साथ में कुटिल बुद्धि भी होता है जी। तो वो मांगलिक व्यक्ति के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह पाता जी। यही मेन समस्या है, इसलिए गैर मांगलिक जो व्यक्ति होता है उसका मांगलिक व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं किया जाता जी। ये जो आपने स्वभाव बताया, क्या ये सिर्फ मांगलिक लोगों के साथ होता है या मांगलिक लोगों में स्पेशली होता है? ये मांगलिक लोगों में ही स्पेशली होता है, जिन पर मंगल का प्रभाव, जैसे मैंने बताया था कि मांगलिक स्थान प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में जो मंगल रहता है वो मांगलिक लोग रहते हैं, उन मांगलिक जातकों पे इसका विशेष प्रभाव रहता है। जब मंगल प्रथम स्थान में होता है तो वो व्यक्ति बहुत तेज स्वभाव का होता है, जब मंगल चतुर्थ स्थान में होता है तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जब मंगल सप्तम स्थान में होता है तो वो अपने साथी के प्रति बहुत ज्यादा कठोर होता है। अष्टम और द्वादश के मंगल में आयु, स्वास्थ्य और साथ में शारीरिक जो संरचना रहती है उस पर उसका विशेष प्रभाव होता है। जी, वर वधु के जब विवाह होते हैं तो उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसका कुछ मुख्य उपाय या कुछ कारण बता दीजिए। पूनम जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 70% जो पत्रिकाएं होती है उसमें मांगलिक दोष होता ही नहीं। उन मांगलिक स्थानों में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, अगर वहाँ पर मंगल स्वग्रही या उच्च का होकर के बैठा है, अगर उन पर स्थानों में गुरु जो है मंगल के साथ में या मंगल से दृष्टिगोचर हो रहे हैं तो उन परिस्थितियों में मांगलिक दोष का परिवार उसी समय हो जाता है जी। तो उस परिस्थिति में प्रथम दृष्टि अपने को मंगल दोष लगता है पर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर मंगल दोष का परिहार हो चुका होता है। वर या वधु की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो उसके लिए किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से एक बार उसका एनालिसिस करवा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ स्थितियां ऐसी होती है जहाँ पे मंगल दोष का परिहार हो रहा होता है। लड़का है, उसकी कुंडली में अगर मंगल दोष दिख रहा है पर उसी स्थान पर अगर कभी वहाँ पर सूर्य, शनि, राहु या केतु विराजमान होते हैं तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अगर वहाँ पर केंद्र त्रिकोण में गुरु बैठा हुआ है तो उस परिस्थिति में भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अगर वर की कुंडली में मांगलिक दोष है तो वधु की कुंडली में भी उन्हीं स्थान पर मंगल होता है तो वो विवाह किया जाता है। पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें मंगल दोष नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम लोग उस चीज को मांगलिक मान करके विचार करते हैं, तो उसके लिए अपन पहले एक बार अच्छे से उस चीज को देख लें, उसके बाद में फिर वर और वधु का विवाह किया जा सकता है। लेकिन आचार्य जी, ऐसा सुनने में आता है अगर आपने नॉन मांगलिक की शादी मांगलिक से कर दी तो जो एक पक्ष है उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। देखिए, कुछ परिस्थितियों में ये संभावना हो सकती है, परंतु विशेषकर जो प्रभाव आता है वो स्वास्थ्य पे आता है। वो साथ में मैंने जो विशेषताओं में बताया था कि दोनों के गुण डिफरेंट होते हैं, दोनों का व्यक्तित्व डिफरेंट होता है, जिसके कारण ये समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम मांगलिक और गैर मांगलिक का विवाह नहीं करवाते। तो उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा मैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय, उसमें से एक को मांगलिक कुंडली है और दूसरे की मांगलिक कुंडली नहीं, और कुछ उपाय करके उनका विवाह संपन्न कराया गया है और आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। इन कुछ परिस्थितियों में हमें विवाह संबंध स्थापित करवाना भी है तो जातक जितनी ज्यादा हनुमान जी की आराधना करेगा उतना उनके लिए फायदेमंद रहेगा। सेकंड, महामृत्युंजय का 1,25,000 जप करना चाहिए ताकि
उनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं ना आए। तीसरी जो प्रमुख बात है, जिससे भी मंगल दोष है उसका घर से विवाह करवा करके, जो भी एक प्रक्रिया होती है पंडित बताते हैं उस हिसाब से विवाह करवा करके उस चीज का उपाय किया जा सकता है। और चतुर्थ अति सामान्य उपाय है, केसरिया गणेश जी की अपनी एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित करें और उनकी देवी पूजा करें। ये उपाय करने से मांगलिक दोष का पूर्णतः अपन परिहार कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया पंडित जी। तो दर्शकों से उम्मीद है कि आपने देखा होगा, और जिसको भी मांगलिक है कुंडली में तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई दोष नहीं है। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया तो आप उसको उपाय कर सकते हैं, और मांगलिक लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आगे भी आप हमें देखते रहेंगे, नए नए विषयों के साथ हम आचार्य जी से चर्चा करते रहेंगे। तो संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पर आने के लिए। थैंक यू।